Hello everybody. Hello. Myself Professor Prashant Singhal, and I'll just introduce myself, okay? I have been into the field of teaching physics from last 8 years down the line, और मैं education training industry में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ. ठीक है guys? अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम बच्चों से मिलते हैं, बात करते हैं, हम parenting करते हैं, counseling करते हैं, you must have heard of all these terms, है ना? अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो एक सेक्टर ये आता है कि जब बच्चा या माँ बाप मुझसे बात कर रहे हैं तो अपनी प्रॉब्लम मुझे समझाते हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम को समझता हूँ. दिस एवरीथिंग गोज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपर्सनल. किसके भाषा पे जाता है ये? इंटरपर्सनल. डू यू थिंक कि सिर्फ इंटरपर्सनल से बात करके मान लो उन्होंने अपनी बात मुझे समझाई, मैंने उनकी बात को समझा, सिर्फ इतने बेसिस पे हम प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो. कहीं ना कहीं एक एरर होने का बहुत बड़ा चांस आ जाता है, हाँ या ना? एक एरर हो सकता है. बाय द गॉड्स ग्रेस करेंटली आई एम इन टॉप 25 काउंसलर्स एज वेल एज प्रोफेसर्स इन मुंबई. तो भी क्या चांसेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. तो गाइज, मेरा जो लास्ट वीडियो था दैट वॉज ऑन 2nd of December, द फर्स्ट वीडियो इन फैक्ट, उस वीडियो में हमने बताया था कि हाउ यू कैन ब्रेन मैप एन इंडिविजुअल्स ब्रेन by the help of his or her fingerprints, okay? That is known as DMIT. तो वो हमने पूरा क्लियर किया था और उस वक्त मेरा टॉपिक का नाम था our brain and the subconscious mind. So brain मैंने वहाँ कवर किया था, the physical brain. Now we'll go into something which is very important and that is known as the subconscious mind, guys. Yes or no? So let's start with this. So guys, what is subconscious mind? ये एक बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है इस पूरे ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का, और इतना बड़ा टॉपिक है कि हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग इसके ऊपर मोटिव रहता है, अलग अलग सबका इन्फ्लुएंस रहता है, सबका इंस्पिरेशन रहता है, और हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग इसके ऊपर उसका व्यक्तित्व रहता है, हाँ या ना? तो गाइस, एक छोटी सी बात, जो दिखता है, दिस विजिबल स्कल इज नथिंग बट योर ब्रेन, यस और नो? और जो नहीं दिखता, जो इसके अंदर है, वो दो प्रकार के होते हैं, हालांकि तीन प्रकार के होते हैं. पहला आपका कॉन्शियस माइंड, कैसा होता है? कॉन्शियस माइंड. दूसरा जो सबसे बड़ा, उसको हम बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड. क्या बोलते हैं? एंड थर्ड वन इज अनकॉन्शियस माइंड. कौन सा होता है? मैं यहाँ पे एक टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ूंगा, उसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस की स्थिति तब होती है जब मान लीजिए कोई आदमी कोमा में चले जाए, तो हम बोलेंगे इज टोटली अनकॉन्शियस, यस और नो? उसके अलावा दो ही हमारे पास मेजर पार्ट है. पहला होता है सबकॉन्शियस एंड वन इज कॉन्शियस. क्या होता है गाइस? कॉन्शियस. नाउ कॉन्शियस माइंड को हम हिंदी में बोलते हैं चेतन मन. क्या बोलते हैं? और सबकॉन्शियस को हम बोलते हैं अवचेतन मन. गाइस, ये दो वर्ड्स में बहुत कुछ छुपा हुआ है. आज मैं जो आपको बोल रहा हूँ, जो आप सुन सकते हो, एवरीथिंग विच यू कैन सी फिजिकली, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्पीकिंग आई एम इन ऑडिटरी मोड. कौन से मोड में हूँ मैं? बोल रहा हूँ, हाँ या ना? और जो आप मुझे देख पा रहे हो, ये विजुअल्स हैं आपके, ये सारे की सारी चीज़ें किसके अंडर में आ जाती हैं? दिस कम्स इन द कैटेगरी नोन एज कॉन्शियस माइंड. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉन्शियस माइंड. तो गाइज, पीपल्स एंड पीपल, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, सुन सकते हो, एवरीथिंग, आप क्या इस वक्त अवेयर हो? यस, अवेयर हैं आप? आप इस चीज को समझ पा रहे हो? तो इसको हम बोलते हैं अवेयरनेस की स्थिति. क्या बोलते हैं गाइस? एक बहुत, अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलना चाहूं कॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को, मैं आज आपके सामने मेरे बहुत सालों का अध्ययन रखने जा रहा हूं इस आधे से पौने घंटे के अंदर. ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश करना. तो कॉन्शियस माइंड को हमने क्या बोला? अवेयरनेस. क्या बोला? अवेयरनेस. मतलब अगर आप अवेयर हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो सारी की सारी चीजें आप किस वजह से कर पा रहे हैं? आप कर पा रहे हैं कॉन्शियस माइंड की वजह से, हाँ या ना? इज दिस क्लियर? नाउ वी विल कम ऑन टू सबकॉन्शियस माइंड. ठीक है, इसका हर एक आदमी का, इंडिविजुअल का अलग अलग परिभाषा है, डेफिनेशन है. मेरा डेफिनेशन क्या है, मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ. सबकॉन्शियस माइंड गाइस, ये जो मन है, अगर मैं आपको बोलूं, जरा सोचिए आपके घर में आपकी मम्मी की आवाज़, आपके मदर की वॉइस,
आपके पापा की आवाज, हाँ या ना, आपके मन में तुरंत आ जाती है? क्या ये वाकई में है? नहीं, बट आपके अंदर है, एक फाइल है. क्या है वो? एक फाइल है, हाँ या ना. अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आपके घर में जो प्रेशर कुकर की जो सीटी बजती है, वो भी क्या आपको इस वक्त सुनाई दे सकती है? बिल्कुल सुनाई दे सकती है, हाँ या ना. याद कीजिए वो बच्चे का जन्म जो आपके घर में काफ़ी साल पहले हुआ था, या जो पहला बच्चा आपके घर में हुआ था, उसकी किलकारियाँ क्या आपके मन में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है. गाइस, ये सब जो हो पा रहा है, क्या ये अभी है इस वक्त? बिल्कुल नहीं. बट क्या ये आपके अंदर है, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में है? बिल्कुल हाँ. और इसी को हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड. क्या बोलते हैं गाइस? सबकॉन्शियस माइंड. इज दिस क्लियर? तो गाइस, ये बेसिकली है क्या? जैसे मैंने इसको एक वर्ड में नाम दिया अवेयरनेस, वैसे मैं इसको क्या नाम दूं? इसको मैंने एक नाम दिया फीलिंग. क्या नाम दिया? फीलिंग. अब बात यह आती है कि फीलिंग आएगी कैसे? कोई भी सबकॉन्शियस माइंड किस पे काम करता है? फीलिंग्स पे. किस पे काम करता है? फीलिंग्स पे. और कॉन्शियस माइंड किस पे काम करता है? अवेयरनेस पे, हाँ या ना. अब मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास थिंकिंग कैपेसिटी है, कौन सी कैपेसिटी? थिंकिंग. तो अगर आपके पास थिंकिंग कैपेसिटी है, तो ही आप कोई चीज़ के बारे में अवेयर हो सकते हैं. बिल्कुल सही. और अगर आपके पास एक्शन लेने की क्षमता हो, क्या हो? एक्शन लेने की क्षमता हो, तो ही आपके पास उस चीज़ का फील आ सकता है. ऐसा होता है अक्सर? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि बहुत साल पहले आपने अगर कोई कोबरा देखा था, ठीक है, तो कोबरा का नाम सुन के आप एक बार ये बोल सकते हैं कि मुझे डर नहीं लगेगा, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा. लेकिन फिर भी ये जो आपने बोला, ये वर्ड यहाँ से आया था, कॉन्शियसली आपने स्पीक किया, लेकिन एज सून एज द कोबरा कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपके पैर शिवर करने लगेंगे, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आप वहां पे खड़े नहीं हो पाओगे, आप चाहते हुए भी खड़े नहीं हो पाओगे. कॉन्शियसली यू वॉन्ट, अवेयरनेस के साथ आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे खड़ा रह पाऊं, बट क्या ये हो सकता है? पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर जो मेमोरी की फीलिंग थी, कौन सी थी? मेमोरी की फीलिंग, जो आप शायद काफी साल पहले वो कोबरा के सामने खड़े थे, या सुनने के बाद, लोग बोलते कोबरा के सामने खड़े नहीं हो पाते, वो सुनने के बाद वो सारी चीजें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में थी, वो फीलिंग ने आपको एक एक्शन करवाया, और वो एक्शन क्या होता है? वहां से भाग जाने का, है ना. तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दोनों सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, है ना. सुना है आपने, अक्सर एक बात सुनी होगी कि आइंस्टाइन जैसे जो इंसान हुए थे, जो व्यक्तित्व हुए थे, उन्होंने अपने दिमाग का 19% यूज किया था. कितना किया था? और एक आम इंडिविजुअल कितना यूज करता है? अराउंड 1-4% मैक्सिमम, अराउंड 1-4% मैक्सिमम. लेकिन हमने एक और चीज सुनी है कि दुनिया के जितने भी पहले जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, देवर बेसिकली द मॉन्क्स, यस और नो? मेडिटेशन के थ्रू वो अपना सबकॉन्शियस माइंड जागृत करते थे, एंड दे यूज्ड 80-100% ऑफ देयर माइंड. ऐसा होता था. तो गाइस, क्या आपको लगता है कि आज के भी जीवन में हम वही मेडिटेशन कर सकते हैं? उतना समय क्या सबके पास है? नहीं है उतना समय सबके पास नहीं है. मेरे पास कुछ लोग आते हैं जो काउंसलिंग करवाते हैं, तो मैं अगर उनको ये बोलता हूँ कि आप कल सुबह सुबह विष्णु मुद्रा में बैठ के अगर आप मेडिटेशन कीजिए, तो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता. वो बोलेंगे कि प्रशांत सर ने समझाया बहुत अच्छा, बट इम्प्रैक्टिकल चीज़ें बताई. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, या ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारे लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें, हाँ या ना? क्या हो सके? सक्सेसफुल हो सके, हमारे रिलेशनशिप अच्छे चले, हम खुश रहें. और ये सब होने के लिए आज का टॉपिक हमें आगे बढ़वाएगा, जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड द सक्सेस मंत्रा. सो गाइस, वापस थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं. क्या ये दोनों एक तरीके से चलते हैं, साथ में चलते हैं, हाँ या ना? एक बात समझाना चाहूंगा मैं आप लोगों को. अगर मान लीजिए आपके कॉन्शियस माइंड में एक चीज है, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, किस किस को यहाँ पे चाय बनानी आती है? सबको आती है. जिसको नहीं आती, आप खाली एक बार उसको पूछिए तो वो बताएगा आपको. आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि भाई, सबसे पहले आपको एक जो भी हम बोलते पैन रखना है, उसके अंदर आपको पानी डालना है, पानी के बाद आपको चाय पत्ती डालनी है,
टी लीव्स डालनी है, उसके बाद आपको शक्कर डालना है, दूध डालना है, अदरक डालनी है, उसके बाद थोड़ी देर उसको जो बोलते हैं सिम के ऊपर रखना है, और उसके बाद चाय रेडी. यस और नो? दिस इज द कॉन्शियस माइंड का डेफिनेशन. हाँ या ना? कॉन्शियस में उसको अवेयरनेस है कि मुझे चाय कैसे बनानी है. हाँ या ना? लेकिन आप सिर्फ किचन में एंटर कीजिए तब प्रोसेस चालू होता है किसका? सबकॉन्शियस का. जब आप वहां पे चले जाते हैं और जब आप चाय बनाना स्टार्ट करते हैं उस वक्त आप अटक जाते हो. और वहां पे क्यों अटक जाते हो? क्योंकि अभी तक सिर्फ अवेयरनेस था, उस चीज का फील नहीं आया. क्या नहीं आया गाइस? फील. और फील इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी तक आपने एक्शन नहीं किया था. क्लियर हो गया? तो गाइस दिस फीलिंग एंड दिस एक्शन गोज वाइस वर्सा. कैसा होता है ये? एक साइकिल में चलता रहता है. एंड दिस थिंकिंग एंड अवेयरनेस गोज वाइस वर्सा. इज दिस क्लियर गाइस? अच्छा, जो भी यहाँ पे फोर व्हीलर चलाना जानता है उसको खाली एक बार पूछिए कि आपने सीखा कैसा था. जब स्टार्टिंग में जब आप ड्राइविंग क्लासेस गए थे उस वक्त आप बहुत कॉन्शियसली चला रहे थे. कैसे चला रहे थे? कॉन्शियसली. धीरे धीरे अब तो ऐसा भी होता है कि आप अपने कानों पे फोन रख लेते हैं. Yes or no? And some people to two phones. और साथ में ड्राइविंग भी कर लेते हैं. इसका मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस का एक और मीनिंग होता है बहुत बड़ा, जिसको हम बोलते हैं आदत. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आदत. अक्सर एक चीज आपने देखी होगी कि कोई आदमी जब अपना घर चेंज करता है, ठीक है, शिफ्ट हो जाते हैं, तो अक्सर अगर हम कॉन्शियसली वर्कआउट ना करें तो हम पहले वाले घर की तरफ चले जाते हैं. और सडनली दिमाग में स्ट्राइक आता है, नहीं नहीं नहीं, आई एम गोइंग रॉन्ग. जो सडन जो स्ट्राइक आया दैट वाज अवेयरनेस की स्थिति, कॉन्शियस. यस और नो? बट आपको चला कौन रहा था? जब आप फोन पे बात कर रहे थे कॉन्शियसली किसी के साथ, उस वक्त सबकॉन्शियसली आपको घर तक कौन लेके जा रहा था? आपको लेके जा रहा था आपका सबकॉन्शियस माइंड. हाँ या ना? जब आप इस वक्त मैं जब स्पीक कर रहा हूँ तो मेरे पास जो मेमोरीज हैं वो सबकॉन्शियस में है, बट मैं स्पीक कर रहा हूँ इन अ कॉन्शियस मैनर. हाँ या ना? जब मैं रात में सो जाता हूँ उस वक्त सोने की स्थिति में मेरा सब कॉन्शियस माइंड काम करता है, मैं कॉन्शियस नहीं होता हूँ. इसका मतलब मेरे जीवन में या किसी के भी जीवन में सब कॉन्शियस का ज्यादा रोल होता है. कितना रोल होता है? इट इज मोर देन 80%. यस और नो? इट इज मोर देन 80%. एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि किसी को स्विमिंग करना है. क्या करना है? स्विमिंग करना है. स्विमिंग इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, काफ़ी सिंपल होता है. आपको पानी में कूदना है, पानी के अंदर कूदने के बाद आपको अपनी बॉडी काफ़ी हल्की रखनी है. आप ये चाहेंगे मुझे सांस मिलती रहे, और धीरे धीरे फ्लोट करना है, हाथ पैर चलाने और आगे बढ़ना है. सुनने में तो काफ़ी आसान है, बट मुझे खुद को स्विमिंग नहीं आती, इसलिए मैं ये जानता हूँ कि अभी मैं सिर्फ अवेयरनेस की भाषा में, मुझे ज्ञान है, कॉन्शियसली बोल सकता हूँ, बट अभी तक मैंने एक्शन नहीं किया तो मुझे उसका फीलिंग नहीं है. और जैसे ही मैं कूदूंगा मैं डूब जाऊँगा. हाँ या ना? मैं इसलिए डूब जाऊँगा क्योंकि अब तक मेरे वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गई है. कहाँ पे नहीं गई है? सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गई है. गाइस, क्या आप जानते हो हमारा दिल कैसे धड़कता है? दिल धड़कने में क्या आपका कुछ संयोग है? बिल्कुल नहीं. ये सबकॉन्शियसली धड़क रहा है. इसको कहीं ना कहीं हमारी भाषा में हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड धड़का रहा है. आपके पेट में जो इतने सारे चीजें बनती हैं, इतनी सारी चीजों को पचाया जाता है, क्या आप ये जानते कैसे होता है? बिल्कुल नहीं. आप सिर्फ खाना खा लेते हैं और सब कुछ खुद ब खुद पच जाता है. ये कैसे हो सकता है? दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. यस और नो? आज की डेट में दुनिया की बड़ी बड़ी डिजीज जो कि एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी से ठीक नहीं हो सकती, हमने ये पाया कि हम इसको सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ठीक कर सकते हैं. किसके थ्रू कर सकते हैं? सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू. गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी के ऊपर चर्चा करते हैं. सो आई विल आस्क यू अ सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर यही सक्सेस मंत्रा है तो सबकॉन्शियस माइंड को समझाया कैसे किया या कंट्रोल कैसा किया जाए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होकर सामने आता है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. किसी के पास ये आंसर है? मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे के इसको समझाना चाहूँगा कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. आपने अक्सर एक ये वाक्य सुना होगा कि ये जो ब्रह्मांड है ये नेगेटिव चीज़ें नहीं पकड़ता. हाँ या ना? अगर हम कुछ नेगेटिव बोलते हैं, इट्स अ वेरी गुड बुक द सीक्रेट्स बाय रोंडा ब्राइन, इफ़ यू हैव रेड इट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप प्लीज़ करिए, ठीक है.
मैंने इन सबको कोलैब किया हुआ है और सबको मैंने मेरे इस अध्ययन में डाला है. इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने अक्सर सुना है कि ये जो कमांड है ये नेगेटिव रिफ्लेक्ट बैक करके वापस नहीं भेजता. मैं आज ये बोलता हूँ कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, या मैं ऐसा 5 साल पहले बोलता था, तो शायद वो प्रोसेस में चीज़ कंप्लीट हो रही है, हाँ या ना, क्योंकि ब्रह्मांड मुझे वो चीज़ वापस भेज रहा है. अगर मान लीजिए दो, एक पर्सन ए एक पर्सन बी है, कितने पर्सन है हमारे पास, 2 पर्सन है. पर्सन ए बोलता है कि चलो रेसिंग लगाते हैं, क्या करते हैं, रेसिंग करते हैं. पर्सन ए ने ये बोला कि आज मैं तुझसे जीत जाऊँगा. क्या बोला, आज मैं तुझसे जीत जाऊँगा. या मान लीजिए उसने ये बोला मैं जीत जाऊँगा, इज दिस क्लियर, क्या बोला उसने, मैं जीत जाऊँगा. और दूसरा वाला ये बोलता है कि मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा. क्या बोलता है, मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा. हालांकि अगर मैं इसको एक कॉमन सेंस के हिसाब से देखूँ, बात देखिए, अगर दो रेसर्स हैं, पहला ये बोलता है मैं जीत जाऊँगा, ऑफकोर्स ही विल विन, और अगर वो ये बोलता है कि मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा, तो भी कोई जीता. लेकिन दोनों में सोच के बताइएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विल बी किसका हाई. यस, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात आती है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव थॉट. क्या बोलते हैं, पॉजिटिव थॉट. उसने ये बोला कि मैं जीत जाऊँगा, जो यूनिवर्स में इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जाता है और स्ट्राइक करके रिटर्न आता है. मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी का क्या खेल होता है. एवरीथिंग कम्स बिकॉज इट क्रिएट्स अ रेजोनेंस. क्या बनता है, रेजोनेंस. गाइज, आपने कभी ये सुना है कि अगर हमारा जो ब्रिज होता है, जो जिसके ऊपर गाड़ियाँ जाती है, अगर इसके ऊपर हम साथ में काफ़ी सारे फौजियों को एक साथ चला दें, द ब्रिज मे कोलैप्स. यस और नो? बिकॉज जब एक फौजी पैर रखता है तो उसके साथ सबके पैर साथ में जाते हैं और सबकी फ्रीक्वेंसी एड अप हो जाती है, विच क्रिएट्स अ रेजोनेंस, जो ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से हाई होकर उसको ब्रेक कर सकता है. तो वैसे ही हमें क्या करना है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग इतनी हाई होनी चाहिए कि इट क्रिएट्स अ रेजोनेंस. यस और नो गाइस? तो यहाँ पे बातें आती है कि सेकेंड वाला जिसने ये बोला था कि मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा, वो नहीं तो वापस रिफ्लेक्ट ही नहीं होता, हाँ या ना, वो नहीं तो वापस रिफ्लेक्ट ही नहीं होता. और रिफ्लेक्ट होके क्या आता है, मैं तुझे जीतने दूंगा. तो एक तरफ वो उसकी हेल्प कर रहा है, मैं तुझे जीतने दूंगा, और दूसरी तरफ वो खुद मेहनत करता है भागने दौड़ने की. तो होता क्या है, यहाँ पे चांसेस आर न्यूट्रल कि वो शायद जीते शायद हारे. लेकिन परिपक्व डिसीजन किसका था, जिसने ये बोला कि मैं मेहनत भी करूँगा, मतलब हील रन, और ये भी बोला कि मैं जीतूंगा, हाँ या ना. तो मैं जो भागूंगा, ये मेरी मेहनत की जो फ्रीक्वेंसी है प्लस मेरे शब्दों की जो फ्रीक्वेंसी है, दैट साउंड या जो शब्द आता है वो आपके थॉट से आता है, हाँ या ना, कहाँ से आता है, थॉट से. और ये मिलके एड अप होके रेजोनेंस क्रिएट करते हैं और आप सक्सेसफुल बनने की पहली सीढ़ी पे आ जाते हो, हाँ या ना. ऐसा अक्सर होता है. और गाइज, हमने एक और बात बहुत सुनहरी सुनी हुई है कि हमारा मस्तिष्क ही ब्रह्मांड है, हाँ या ना. अच्छा, इसके ऊपर काफ़ी थियरीज आ चुकी हैं. मिस्टर स्टीफन हॉकिंग, वो रिसेंटली पास जावे, मेरा काफ़ी रिसर्च रह चुका है थ्योरेटिकल फिजिक्स को मेटाफिजिक्स के साथ मिला के, हिंदू माइथोलॉजी के साथ मिला के, तो मैंने एक चीज़ बहुत गहराई से पाई कि अक्सर लोग बोलते हैं ऑन स्पिरिचुअल बेसिस कि हमारा मस्तिष्क ही हमारा ब्रह्मांड है, बट एक्चुअल कैसे पॉसिबल है. एक्चुअल पॉसिबल ऐसे है कि जब आप इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जाओगे, तो यूनिवर्स में आप एक चीज़ पाते हो जिसको हम बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट मैटर, और यू कैन से ग्रे मैटर, और वही चीज़ आपके ब्रेन में भी होती है, हाँ या ना, अक्सर होती है. जैसे कि हम ये बोलते हैं कि सबसे फास्टेस्ट चीज़ अगर मैं देखूँ तो चल सकती है ब्रह्मांड में, दैट इज़ लाइट, विद द वेलोसिटी ऑफ 3×10⁸ m/s. अभी एक और रिसर्च निकल के सामने आई है, दैट इज़ समथिंग नोन एज टेक्यन. क्या बोलते हैं उसको हम लोग, टेक्यन. अगर आप पुराने ज़माने में जाओगे, रामायण या महाभारत में, तो उसके अंदर लोग एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे आ जाते थे. गाइज, एक छोटी सी चीज़ है, दिस इज़ नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ मास टू एनर्जी एंड एनर्जी टू मास. मैं जब इस सेशन को एंड करूँगा, आई विल गिव यू एन वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड मास एंड एनर्जी कन्वर्जन, विच वॉज गिवन इन 1920s बाय मिस्टर आइंस्टाइन. मैंने उसको भी इसके साथ जोड़ा हुआ है और हम कुछ निकालेंगे वहाँ से. फिलहाल मैं आपको ये बताना जा रहा था कि हमारा मस्तिष्क ही हमारा ब्रह्मांड है. इसका एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ. जैसे कि ब्रह्मांड नेगेटिव नहीं पकड़ता, वैसे ही हमारा ब्रेन या सबकॉन्शियस माइंड इनफैक्ट नेगेटिव नहीं पकड़ता. मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ. एक बार आप सब मेरे चेहरे की तरफ देखिए, मेरे चेहरे की तरफ देखिए, और मिस्टर इंद्र बोधी के बारे में आपको सोचना नहीं है.
मिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में आपको सोचना नहीं है। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि तुरंत उसी क्षण उसी मोमेंट पे आपके दिमाग में कौन आ गए, आ जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो आपको हर जगह कोई भी एक एनएलपी ट्रेनर या सबकॉन्शियस माइंड जो समझाता हो बताएगा, हाँ या ना। दिस इज इनफैक्ट वेरी ट्रू, क्योंकि एक अक्सर चीज बोली जाती है ना कि एक जो बुचर होता है, जो कसाई होता है उसको लोग आके हमेशा पूछते हैं कि भाई तुमको ऊपर वाला कैसे माफ करेगा। उसके जीवन में अगर, या जीवन की तो बात छोड़िए, अगर दिन में 200 लोग आके पूछते हैं तो कम से कम 200 बार उसने ऊपर वाले को याद किया, यस और नो? तो हुज प्रोबेबिलिटी और द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू हेवन आर मोर, द पर्सन हु बायस और द पर्सन हु सेल्स, दैट बुचर? आई थिंक सो, दैट बुचर, यस और नो? बिकॉज ही इज अगेन एंड अगेन रिमेंबरिंग समथिंग इन अ पॉजिटिव मैनर। हु वॉज द मोस्ट नेगेटिव वन? हु वॉज बाइंग? कुछ आ रही है बात, कुछ समझ में यहाँ पे? यस, दिस हैपन्स अ लॉट। गाइस, सक्सेस की परिभाषा क्या होती है? सक्सेस क्या होता है, कोई बता सकता है यहाँ पे? वेरी गुड। सक्सेस का एक छोटा सा परिभाषा, एक डेफिनेशन ये होती है, एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि मुझे ये चीज पसंद है और मैंने उसको अचीव कर लिया, मुझे ये चीज पसंद है और मैंने उसको अचीव कर लिया, तो मैं ये बोलूंगा कि इस समय उस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं सक्सेसफुल हूं। क्या बोलूंगा? इस समय उस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं सक्सेसफुल हूं। तो गाइस, एक एग्जांपल से मैं इसको समझाना चाहूंगा कि व्हाट इज सक्सेस, ठीक है? तो आई हैव टू ड्रॉ सम डायग्राम। गाइस, दिस इज अ स्विमिंग पूल। क्या है ये? स्विमिंग पूल। दिस वन इज शैलो। कैसा है ये? शैलो मतलब गहराई नहीं है, ठीक है? मान लीजिए तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट या 5 फुट। और दूसरा एक और हमारे पास है जो कि काफ़ी डेप्थ वाला है, डीप है। इज दिस क्लियर? हमारे पास यहाँ पे 3 प्रकार के लोग हैं। कितने टाइप के लोग हैं? 3 प्रकार के लोग हैं जो डीप स्विमिंग पूल के किनारे पे बैठे हैं, 3 जन। क्लियर? पहला वाला, इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है? ही इज थिंकिंग विदाउट एक्शन। कौन है ये? थिंकिंग विदाउट एक्शन। अब एक चीज रिकॉल करने की कोशिश करो, थिंकिंग को मैंने बोला था अवेयरनेस। क्या बोला था? एन अवेयरनेस कम्स फ्रॉम दी कॉन्शियस माइंड, यस और नो? थिंकिंग विदाउट एक्शन, एक्शन को मैंने बोला था फील, एंड फील कम्स फ्रॉम दी सबकॉन्शियस माइंड। अब पहला एक आदमी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि थिंकिंग विदाउट एक्शन, जहां पे कॉन्शियसनेस है विदाउट सबकॉन्शियसनेस, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। ये आदमी यहाँ बैठा बैठा ये सोचता है कि इतने सारे लोग इसके अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं? स्विमिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ हाथ पांव तो हिला रहे हैं, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। लेकिन ये बैठा बैठा ये सोचता रहता है कि हाथ पांव हिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मैंने आज तक ये चीज नहीं की। और ये हमारे जीवन में होता है, हम सोचते रह जाते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे एक स्टेज के ऊपर जाके स्पीकर बनना है, मुझे कुछ जाके बोलना है, बट हम जा ही नहीं पाते, हाँ या ना? क्योंकि वी कीप ऑन थिंकिंग कॉन्शियसली कि शायद मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। आई लास्ट यू क्वेश्चन, क्या आपने ट्राई किया? नहीं। अगर आपने एक्शन ही नहीं लिया तो आपको फील कैसे आएगा? और फील ही नहीं आएगा तो मतलब आपका सब कॉन्शियस माइंड अभी तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, हाँ या ना? गाइज, अक्सर यही होता है, थिंकिंग विदाउट एक्शन। एक 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को ये बोला जाता है, उसके माँ बाप ये बोलते हैं कि बेटा तेरे को 11th 12th के बाद इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। वो बच्चे ने कहीं ना कहीं सुना है, वो थिंक कर सकता है कि एक इंजीनियर क्या होता है, बट क्या उसको उस चीज़ का फील है? नहीं। इसका मतलब अभी तक उसके दिमाग में ये गोल नहीं बना। क्या नहीं बना? एक गोल नहीं बना। और वो सिर्फ एक पर्पस के हिसाब से कि मुझे करना है, इस चक्कर में करता रहता है, और फिर रिजल्ट हमारे सामने आता है जिसमें अंदर कुछ नहीं आता, आया ना? और बच्चे को क्या मिलता है? इनफैक्ट स्ट्रेस मिलता है। क्या मिलता है?
स्ट्रेस, या कोई भी इंडिविजुअल को हम अगर हमारी जर्नी में जीवन में देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, अक्सर मैंने देखे हमारे पास आते हैं जो ये बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा तो है, मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ। हाँ या ना, पैसा तो है मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ, या मैं क्या इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा तो क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ये क्वेश्चंस पे आके अटक जाते हैं। मेरा एक सिंपल सा आंसर यही निकलेगा कि आप करके तो देखिए, आप करके देखेंगे उसके बाद अगर कुछ नुकसान होता है तो हम उस चीज़ को परख सकते हैं, देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। आप कर ही नहीं रहे और सिर्फ अपने थिंकिंग के जाल में आपने, हम एक सिंपल सा कहावत बोलते हैं हमेशा कि अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है दिस वर्ल्ड विल लुक वेरी पॉजिटिव, यस और नो, और अगर दिमाग में ये जाल बुना हुआ है, नेगेटिव थिंकिंग है, तो पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड आपको खूबसूरत नजर आना बंद हो जाएगा, यस और नो। नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है एक्शन विदाउट थिंकिंग। क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नो प्लानिंग्स, यस और नो, एक्शन विदाउट थिंकिंग। यहाँ ये जो इंसान है इस वक्त जो बैठा हुआ है वो ये देखता है कि इतने सारे लोग यहाँ पे स्विम कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कहीं से सीख के आए होंगे, जरूरी थोड़ी है कहीं से सीख के आए होंगे, अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और अगर वो डायरेक्टली जंप कर जाए विदाउट थिंकिंग, इसमें जंप कर गया तो क्या होगा हम जानते ही हैं, वो बहुत ही नीचे तक गिरेगा। हाँ या ना, तो दो चीजें हो गई, ये मेंटली फॉल कर रहा था और ये फिजिकली फॉल कर गया। हाँ या ना, दोनों ही जगह पे बोथ आर अनसक्सेसफुल, बोथ आर अन, और यही आज के जीवन में होता है, यही होता है। यहां पे भी प्लानिंग की प्रॉब्लम थी, या यहां पे मैं बोलूंगा हद से ज्यादा प्लानिंग थी कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या आपके पास इतने सारे नेगेटिव थॉट्स थे कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, और यहाँ पे प्लानिंग की इतनी कमी थी, या मैं बोलूंगा कि कोई भी अगर आपको काम करना हो तो पहले उसकी गहराई को समझने की कोशिश करो, इस स्विमिंग पूल की गहराई को समझने की कोशिश उसने नहीं की थी। हाँ या ना, अब थर्ड पर्सन, ऑफकोर्स ही विल बी सक्सेसफुल, यस और नो, तो इसके बारे में बात करते हैं कि थर्ड पर्सन ने देखा, समझा और पूछा कि ये जो काम है, ये जो वर्क है, जो मुझे करना है, ये कितना इन डेप्थ नॉलेज वाला है, इसमें किस प्रकार की नॉलेज लगेगी, इसमें फाइनेंस की नॉलेज लगेगी, इसमें एजुकेशन की नॉलेज लगेगी, इसमें एक्सपीरियंस लगेगा, क्या लगेगा, उस चीज़ को इसने समझा, इस स्विमिंग पूल की गहराई को समझा, और वो आदमी पहले यहाँ गया, किधर गया, शैलो में गया, यस और नो। और अगर शैलो के पास उसको कोई ट्रेनर या कोच मिल जाए तो आपका रास्ता और आसान हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए उसको नहीं भी मिलता। अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, सर हमें तो गाइड करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं था, उन लोगों के लिए समझने की कोशिश कीजिएगा, शैलो है, नीचे कूदा, नीचे कूदा तो उसके पांव धरती पे थे, कहाँ पे थे, धरती पे थे, तो अभी भी ये धरती पे है, ग्राउंडेड है, लेकिन कहाँ पे है, अपने वर्क में घुस चुका है, समझने की कोशिश करो, अभी भी धरती पे पांव हैं, ग्राउंडेड है, क्या चीज नहीं है यहाँ पे, रिस्क नहीं है, क्या नहीं है, रिस्क नहीं है, स्टार्टिंग स्टेज है ना इसका, यस इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क। और यहाँ पे ये खड़ा होता है, धीरे से बॉडी को इंक्लाइन करता है, और फिर अवेयरनेस की स्थिति में जाता है, और जाके ये सोचता है कि स्विमिंग कैसे की जाती है, और खुद के पाँव हिलाना चालू, हाथ हिलाना चालू, खुद के शरीर को हल्का किया, और धीरे धीरे ये तैरने की स्थिति में आ जाता है, और धीरे धीरे तैरना सीखता है, और अगर गिरा भी तो धरती नीचे थी, इसको संभाल लेगी। हाँ या ना, तो रिस्क वॉज वेरी कैलकुलेटेड। धीरे धीरे इसने इस शैलो में स्विमिंग करना सीख लिया, और इसके बाद फिर ये वापस यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद डायरेक्टली सेंटर में आना चाहिए, नहीं, ये पहले यहाँ पे उतरा, जस्ट बाजू में एजिस पे उतरा, और यहाँ पे उतरने के बाद इसने धीरे धीरे वही टेंडेंसीज जो यहाँ अप्लाई की थी, यहाँ अप्लाई करने की कोशिश की, और धीरे धीरे स्विमिंग करता चला गया। लेकिन यहाँ पे इसने एक और चीज़ ध्यान में रखी जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, कि आपके पास हमेशा एक बैकबोन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बैकबोन। प्रैक्टिकल जीवन में, लाइफस्टाइल के जीवन में बैकबोन होने का बहुत बड़ा महत्व है, जिसको हम आम भाषा में बहुत लोग जो जॉब करते हैं ज़्यादा करके सेविंग्स बोलते हैं। हाँ या ना, क्या बोलते हैं, सेविंग्स।
Today in this 21st century, I have seen that people have become so mechanical and monotonous that every person who is earning a huge wage is not satisfied. Yes or no? Satisfy nahi hota hai. To satisfaction kab milega? Jab aap shayad wo kaam karo jo aapko pasand ho. Thodi der mein main iske upar aata hu. Filhal continue karta hu. Ye aadmi yahan kooda tha. Ye koodne ke baad agar kabhi isko aisa lage ki kuch problem ho raha hai to wapas ye yahan pe aake us rod ko pakad sakta hai. वापस रोड को पकड़ सकता है, फिर स्टेबल हो सकता है और ऐसे करते करते ये पूरा यहाँ से घूमते घूमते सेंटर पे आ सकता है, हाँ या ना, सेंटर पे आ सकता है। इस वक्त इसकी जो स्थिति थी यहाँ पे, शायद इसका पहले कॉन्शियस काम कर रहा था, साथ में सब कॉन्शियस काम कर रहा था, धीरे धीरे कॉन्शियस की स्थिति छोड़ दी इसने और अब पूरा का पूरा सब कॉन्शियसली काम करता है, हाँ या ना। और वो तैरता रहता है और कॉन्शियसली नहीं तैर रहा है, सब कॉन्शियसली, कभी फ्लोट करता है, कभी डाइव करता है, कभी कुछ करता है, हाँ या ना। इस वक्त क्या ये धरती पे है? नहीं, इस वक्त ये उड़ रहा है। कहाँ उड़ रहा है गाइस? अपने वर्क में उड़ रहा है और ही इज ऑन द जेनिथ, आई कैन से यस और नो। लेकिन ये इसका गिरने का चांस बहुत कम है। क्यों कम है यहाँ पे? इसका कारण ये है क्योंकि इसने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अपनाया था। क्या किया था इसने? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अपनाया था, एंड दैट इज समथिंग विच इज द सक्सेस मंत्रा। क्या होता है वो? सक्सेस मंत्रा। गाइस, ये एग्जांपल आई थिंक सो काफी हद तक आपको कुछ क्लियर किया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं। गाइस, आई विल से हु इज सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन कौन हो सकता है? इसकी भाषा एक अगर मैं ग्राफ के हिसाब से देखूं तो इसको मैं छोटी सी चीज में समझाना चाहूंगा आपको कि सक्सेसफुल पर्सन क्या होता है। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड। ये हैं चैलेंजेस। क्या है ये? चैलेंजेस। और यहां पे है रिसोर्सेस। क्या है? रिसोर्सेज। गाइज, मैं तकरीबन 5000 से प्लस काउंसलिंग कर चुका हूँ और मैंने अधिकतर जो डिफ़िकल्टीज लोगों के जीवन में पाई है वो यहीं से निकल के आती है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। पॉजिटिव थॉट देखा हमने, सक्सेस कैसे मिल सकती है वो देखा। जब आपके पास क्या हो? थिंकिंग और एक्शन दोनों हो। दोनों में से अगर एक एक का भी अभाव रहेगा तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा गाइज? व्हाट इज सक्सेसफुल पर्सन या हु इज अ सक्सेसफुल पर्सन। यहाँ पे पहले मैंने बनाया चैलेंजेस और यहाँ पे क्या बनाया? रिसोर्सेस। नाउ ज्यादा लोग आपको इस कैटेगरी में मिलेंगे जो क्या बोलते हैं कि मेरे जीवन में चैलेंजेस बहुत है बट रिसोर्सेज नहीं है। क्या बोलते हैं? जीवन में चैलेंजेस बहुत है बट रिसोर्सेज नहीं है। मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं IIT क्लियर करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ, CA बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं है, आया ना। और ये आदमी यहीं हार मान जाता है, आदमी यहीं पे हार मान जाता है। तो क्या ये कभी सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दूसरा एक हम देखते हैं, ये कैटेगरी। इस टाइप के लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास पैसा बहुत है बट मैं करूं क्या, मैं जीवन में सब कुछ कर चुका हूं, मेरे पास पढ़ाई की ताकत है, मैं इतना पढ़ चुका हूं, अब कुछ डिग्री लेने के लिए बचा नहीं है। या एक बच्चा ये बोल सकता है कि इतनी बड़ी पढ़ाई मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जो 10 घंटे की पढ़ाई है मैं 1 घंटे में कर चुका हूं, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई चैलेंज नहीं है, हाँ या ना। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है, यहाँ वाला इंसान भी स्ट्रेस में जाएगा, यहाँ वाला इंसान भी स्ट्रेस में जाएगा, हाँ या ना, दोनों स्ट्रेस में जाएंगे। तो सक्सेसफुल होगा कौन? वो ये लोग होंगे जो इस वक्त यहाँ पे है, हाँ या ना। जो लोग यहाँ पे हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके पास कुछ कमी नहीं है, बिल्कुल सही। देखिए गाइस, कन्फ्यूजन तब होता है जब आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी ना हो या एक साथ तीन तीन अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक कर जाए। एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं बहुत ही डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहूंगा।
या एक बहुत अच्छी कंपनी में आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं जहाँ पे आपके मान लीजिए सैलरी है एक्स, कितनी सैलरी है एक्स, और आपके मैनेजर आपको बोलते हैं कि बॉस, उन्होंने आपको बोला कि कल शाम 5 बजे तक मुझे डिसीजन लेके बताओ, ठीक है, वेरी प्रैक्टिकल डिसीजन लेके बताओ कि पहली अपॉर्चुनिटी आपको यही कंपनी में, ठीक है, सैलरी डबल, क्या हो जाएगा, सैलरी डबल, दूसरा कि ये कंपनी का एक ब्रांच जो कि फॉर एग्जांपल यूके में स्थित है, कहाँ पे है, यूके, लंदन फॉर एग्जांपल, लंदन में है, और वहाँ पे जाने के बाद सैलरी वही रहेगी बट यू विल बी गेटिंग एक्सपोजर, क्या मिलेगा आपको, एक्सपोजर, और तीसरा उन्होंने कहा कि कंपनी भी यही, जगह भी यही, बट इस वक्त आपने शायद साल में बहुत अच्छा काम किया है तो आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा जो कि मीडिया पे आएगा, और थर्ड में क्या मिला हमें, फेम। आई कैन बेट मोर देन 90% ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू टेक दिस डिसीजन। सही या गलत की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं बात करता हूँ फास्ट या स्लो की, वो कल शाम 5 बजे तक ये डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, हाँ या ना, क्योंकि वो कहाँ पे जाके अटक जाते हैं, वो अटक जाते हैं थिंकिंग में, कहाँ अटक जाते हैं, थिंकिंग में, या अटक जाते हैं अपने पास्ट में, कहाँ अटक जाते हैं, अपने पास्ट में, या अटक जाते हैं अपने फ्यूचर में जो अब तक नहीं आए बट उसके बारे में सोच सोच के अटक जाते हैं, हाँ या ना। हमने अक्सर ये बोला है कि आपका फ्यूचर आप खुद बनाते हो, कोई नहीं बनाता, और आपका प्रेजेंट आपका पास्ट बनाता है, कौन बनाता है, आपका पास्ट, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इज दिस क्वाइट क्लियर, अच्छे समझ में आया हमको। गाइस एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमने अभी सक्सेस देखी क्या होती है, हमने एक सक्सेसफुल पर्सन की परिभाषा क्या हो सकती है, कैसे हो सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, हमने वो सीखा। एक क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज डिजायर, एनीबॉडी हु कैन आंसर, डिजायर क्या होता है। मैं छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा शेयर करना चाहूँगा विच हैपन्ड अराउंड 6 years ago, ठीक है। ओके ओके सो वी हैव ओके आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। वी हैव डिजायर, ओके, वी हैव अ गोल विच इज मिशन, यस और नो, which can be a short-term objective or a long-term objective. We have desire, we have goal, and one more thing which is very necessary, that is vision. Kya hota hai wo? Vision. And this is subconscious mind. Kya hai ye? Subconscious mind. Desire, goal, vision comes together into the subconscious mind, thinking के बाद, action की स्थिति के बाद, subconscious mind के बाद, क्या मिल सकता है आपको, क्या मिल सकता है आपको, success. Let us try and understand. Yes or no? मैं ये बोलता हूँ कि मेरा goal ये है कि मुझे अगले 2 साल बाद ऐसा कुछ करके दिखाना है, ये मेरा goal है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे एजुकेशन इंडस्ट्री में, सेक्टर में, मेरे इंस्टीट्यूट में 2 साल बाद इतने बच्चे हो जाएं, ये मेरा गोल है। यस और नो? ओके, ये हो गया गोल। सबसे पहले जो बच्चों को सिखाया जाता है वही सिखाया जाता है कि अपना गोल सेट करो, हाँ या ना, क्या सिखाया जाता है, अपना गोल सेट करो। ओके, अब मैं बात करता हूँ डिजायर की। इट हैपेंड अराउंड 6 years ago व्हेन आई वाज गिविंग एन इंटरव्यू टू सिंटल, दैट्स अ कंपनी, ओके, सो That time also I was into teaching, but उस समय एक ऐसी घटना घटी, मैं उसको समझाना चाहता हूँ, जिसने drastically मेरा ही आंसर था और मुझे ही चेंज कर दिया बहुत ज़्यादा। I'll give you that something, क्या था। तो the interviewer asked me कि बॉस, आप अपने कॉलेज से बहुत अच्छा सिलेक्शन आपने किया है, सब कुछ किया है। उसने क्वेश्चन उसका ये था कि भाई, अगर आपको सुंदर पिचाई, who is, उस टाइम पे सुंदर पिचाई काफ़ी फेमस हो रहे थे, ठीक है, तो उनकी जगह पे अगर आपको बिठा दिया जाए तो क्या आप खुश रहेंगे। मैंने उनको एक ही आंसर दिया था कि खुश तो रहूँगा बट सेटिस्फाइड नहीं रहूँगा। क्या बोला था, खुश तो रहूँगा बट सेटिस्फाइड नहीं रहूँगा, हाँ या ना। इसका मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको कि लोग अक्सर इसमें कन्फ्यूजन ढूंढते हैं, खुश और सेटिस्फैक्शन में, हैप्पी और सेटिस्फैक्शन में। इसका सार मैंने निकाला था भगवद गीता महाभारत से, ठीक है, तो उसको मैं समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ आपको कि मान लीजिए हम जब
हमारे जो भी मान लीजिए अल्लाह भगवान जिनके सामने हम बैठते हैं, तो दो प्रोसेस होते हैं, या तो होता है उपासना या होता है वासना, यस और नो? वासना विल गिव यू प्लेजर, क्या देगा ये, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, दिस विल गिव यू प्लेजर। ज्यादा करके लोग इसके पीछे भागते हैं और यही सिखाया जाता है। आप लाइफ में प्लेजर किस हद तक अचीव कर सकते हो, फिर भी मैं बोलूंगा कि 100% इज फुलफिल्ड इफ इट इज 100%, इफ इट इज 99.99 100 टाइम्स ऑल्सो, तो भी कुछ ना कुछ तो बाकी रह गया। वो बाकी क्या रह गया, क्या रह गया? पीस। अगर आप किसी के सामने बैठते हो, ऊपर वाले के सामने बैठते हो, या अपने सबकॉन्शियस माइंड से प्लेजर मांगते हो, तो आपको भौतिक प्लेजर मिलेंगे, फिजिकल प्लेजर्स मिलेंगे, या बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। बट अगर आपका डिसीजन इस तरीके का हो कि आपने मांगा पीस, क्या मांगा? पीस, तो ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। और पीस के अंदर प्लेजर छोटा सा रूप है, बहुत ही छोटा सा रूप है, हाँ या ना? अक्सर हमने ऐसा देखा है, ऐसा होता है। गाइस, एक बहुत ही अच्छी चीज मैंने यहाँ से सीखने को मुझे मिली थी जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था। वो चीज ऐसी थी कि शांति के लिए लिया हुआ निर्णय गलत हो सकता है, समझने की भाषा थोड़ा सा, शांति के लिए लिया हुआ निर्णय गलत हो सकता है, बट शांति में लिया हुआ निर्णय सही होता है। परफेक्ट, यस और नो? सो दिस अगेन इज अ साइकिल। ओके, नाउ कमिंग टू वो जो इंटरव्यूअर ने मुझे पूछा था डिजायर की बात, तो मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया था कि जब मुझे पूरी चीज समझ में आ गई थी, मैंने उसको समझाया था, मैंने उनसे पूछा था व्हाट इज योर डिजायर, तो ही टोल्ड मी दैट मैं सिंटेल का सीईओ बनना चाहता हूँ। क्या बोला था? सिंटेल का सीईओ बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर डिजायर, तो मैंने बोला मैं अपना डिजायर अभी नहीं बोलूंगा, बट मैं डिजायर की परिभाषा आपको दे सकता हूँ, डेफिनेशन दे सकता हूँ। और उस समय मैं डिजायर को डिफाइन किया, डिजायर इज समथिंग विच पुट्स योर सोल इनटू एक्शन फॉर इट्स सेल्वेशन। डिजायर इज समथिंग विच पुट्स योर सोल इनटू एक्शन फॉर इट्स सेल्वेशन। कुछ ऐसा काम कीजिए कि आपकी आत्मा तृप्त हो जाए, कुछ ऐसा काम कीजिए कि आपकी आत्मा तृप्त हो जाए, और पैसा रिलेशंस बाय प्रोडक्ट के रूप में सही तरीके चलते रहे। जैसे कि हम केमिस्ट्री में देखते हैं कि दो चीजों को मिलाते हैं एक नई चीज बन जाती है, और छोटी सी गैस या कुछ गैस निकल के उड़ जाती है, वो गैस जो निकली वो आपका बाय प्रोडक्ट के रूप में आपका पैसा, आपकी आमदनी या आपके खुशी प्लेजर होना चाहिए। और ये पूरा प्रोसेस पीस वाला होना चाहिए। इज दिस क्लियर? पूरा प्रोसेस कैसा होना चाहिए? पीस वाला। क्या ये पॉसिबल है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू? बिल्कुल पॉसिबल है। सो गाइज, हमने दो चीज डिस्कस की अभी तक, गोल डिस्कस किया जिसको हम मिशन भी बोलते हैं, फिर हमने डिजायर डिस्कस किया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़ा राइज होता है जो मैंने खुद से पूछा था एक बार, ठीक है? ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर सेम गोल या सेम डिजायर कोई एक और इंडिविजुअल जो मेरे बगल में खड़ा है इस वक्त, मान लीजिए है, वो भी लेके चलता है, तो क्या दोनों का सक्सेस एक जैसा होगा? नॉट पॉसिबल। आप बोलेंगे सर शायद आपका काम करने का तरीका अलग है या कुछ ऐसा है। मैंने बोला नहीं, वो भी सेम है। तो क्या कैसे हो सकता है? तब एक बड़ा रोल प्ले करता है विजन। क्या करता है? बहुत लोगों के लिए तो विजन और मिशन एक ही होता है। मैंने विजन की एक परिभाषा निकाली है, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और एक जाते जाते बंजर जमीन आपको दिखाई देती है। गाड़ी में इस वक्त चार लोग हैं, ठीक है। पहला वाला इंसान, पहला व्यक्ति जो आगे बैठा है, उसने ये बोला कि ये जमीन पे कुछ नहीं हो सकता, ये बंजर है। सेकेंड ने ये चीज़ बोली, थर्ड ने भी ये चीज़ बोली, लेकिन उस वक्त अगर वो इंडिविजुअल, फोर्थ इंडिविजुअल ये बोलता है कि मेरा ये नज़रिया है कि ये 10 साल बाद ज़मीन उपजाऊ बन सकती है। क्या बन सकती है? उपजाऊ बन सकती है। ये जो उसका जो वाक्य था या जो सेंटेंस था, इसने एक बहुत बड़ी चीज़ बताई। इसने बताया उसका नज़रिया, और नज़रिया ही होता है आपका विजन। क्या होता है? आपका विजन। एक इंस्टीट्यूट को आपको कितनी ऊंचाई तक लेके जाना है, ये आपका विजन है। आपको अगले 5 साल में 5 लाख बच्चे पढ़ाने, 10 लाख बच्चे पढ़ाने, 15 लाख बच्चे पढ़ाने, एक क्वांटिटेटिव विजन है, यस और नो? और कितनी अच्छा पढ़ाना, एक क्वालिटेटिव विजन है। तो विजन का होना बहुत जरूरी है। हालांकि यस, इट्स अ वेरी गुड डायरेक्शन,
होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है. और अगर ये तीनों चीजें आपकी मिल जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड काम करना चालू करता है. क्या करता है? अब बात ये आती है कि काम करवाएं कैसे. सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया था सक्सेस, व्हाट इज सक्सेसफुल पर्सन या हु इज सक्सेसफुल पर्सन, या तीसरी चीज बताई थी मैंने आपको पॉजिटिव थॉट. अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, लेट अस मूव ऑन. इसके भी जरूरत नहीं, आई जस्ट रब दिस ऑफ. ठीक है, अच्छा आपको क्या लगता है कि जैसे हम अक्सर देखते हैं कोई इंडिविजुअल हमारे पास आता है, वो ये बोलता है सर मैं चार काम करता हूँ, मैं उसकी प्रोफाइल चेक करता हूँ, आप चार काम करते हैं? सर ये मेरे मित्र हैं, ये 10 काम करते हैं एक साथ. तो मैं बड़ा आश्चर्यजनक हो जाता हूँ, बोला यार 10 काम कैसे कर सकते हैं आज 21st सेंचुरी में. मैं उनसे पूछता हूँ क्या आप खुश हैं? सर खुशी तो है कि 10 काम करते हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? सर बिल्कुल नहीं, खाने पीने का समय नहीं है. अच्छा ये भी प्रॉब्लम है. मैंने बोला ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दो नाव पे भी खड़े होंगे ना तो भी आप हिलते रहोगे, हाँ या ना? और दूसरी बात, पानी में कितना भी फ्लोट हो, अगर आप सिंगल नाव पे खड़े हो एक नाव पे, तो पानी हिलता रहेगा, आपकी नाव भी हिलती रहेगी, बट आप उसके साथ मैनेज कर पाओगे, हाँ या ना? तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप एक नाव को संभालो, फिर दूसरी नाव को आप संभालने के लिए मैनेजमेंट कर सकते हो, लोग हायर कर सकते हो, हाँ या ना? इज दिस पॉसिबल? ये बिल्कुल पॉसिबल है. तो यही के साथ, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, ऐसा बोला जाता है, बट आई डोंट थिंक सो इन टूडेज वर्ल्ड दिस इज एप्लीकेबल. जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, आई विल से समथिंग न्यू. Jack of all trades but master of at least one. If you are having a root into one thing, you can go into a lot of things simultaneously. पहले एक में जड़ बनानी जरूरी है. और वो जड़ कैसे बनती है? वो जो आदमी स्विमिंग पूल में जाके कूदा था, सीखा, धीरे धीरे सीखा. पहले क्या सीखा वो? स्विमिंग सीखा, हाँ या ना? फिर क्या सीखा वो? फ्लोटिंग सीखा. फिर हो सकता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मंकी स्विमिंग एंड ऑल, उसके बाद डाइविंग सीख सकता है. दीज ऑल प्रोसेसेस कम साइमल्टेनियसली, धीरे धीरे. रूट क्या था? रूट ये था कि हाथ पाँव कैसे हिलाना है और ब्रीथ कैसे करना है, हाँ या ना? तो जड़ ये बना था उसका. गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको एक कोट बताया था मेरा, जो मैंने चेंज करके थोड़ा सा इस्टेब्लिश किया है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रीट करने का तरीका थोड़ा सा हम देखते हैं. और इसके लिए हमने काफ़ी जो हम मार्केट में देखते हैं एक वर्ड यूज़ होता है NLP. क्या वर्ड यूज़ करते हैं? NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. नाउ गाइस, न्यूरो मतलब व्हाट? इन आर ब्रेन और इन आर होर बॉडी वी हैव सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स. क्या बोलते हैं गाइस? न्यूरॉन्स. और इस वक्त जो मैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, ठीक है, उसका नाम है कॉस्मिक न्यूरॉन्स. क्या नाम है? कॉस्मिक मतलब डिवाइन एंड न्यूरॉन्स मींस ब्रेन सेल्स, यस और नो? एंड इट्स अ यूनिट ऑफ नित्यम एजुकेशनल काउंसिल. मेरे कुछ लास्ट टाइम फिजिक्स पे वीडियोस आए थे, मैंने कुछ बताया था हाउ टू क्रैक एन एग्जाम, हाउ टू क्रैक फिजिक्स एंड ऑल, जो कि मेरा 16 जनवरी को आया था. यू कैन हैव अ वॉच ऑन इट आल्सो. नाउ लेट्स प्रोसीड. न्यूरो लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का मींस लैंग्वेज और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा. पहली भाषा जो हमने पढ़ी थी जस्ट, दैट इज पॉजिटिव, यस और नो? Always think in a positive manner. And programming. जैसे कि हम ये बोलते हैं कि कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर क्या चले जाता है? प्रोग्रामिंग. तो क्या हमें बार बार प्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, नहीं करती. इसका मतलब हमारी भाषा में हम इसको बोलेंगे आदत. क्या बोलेंगे? आदत. तो हमारे ब्रेन के लिए, न्यूरॉन्स के लिए पढ़ने वाली आदत कोई भाषा के थ्रू, ये भाषा आपकी तीनों हो सकती हैं,
भाषा, अगर मान लीजिए एक पर्सन ब्लाइंड है, कैसा है, ब्लाइंड है, तो उसको समझाने के लिए भी हमारे पास कोई तरीका होता है, उसको हम भाषा बोलते हैं, हाँ या ना। अगर मान लीजिए कोई आदमी डेफ और डम्ब है, तो आप देखेंगे उसका टीचर भी डेफ और डम्ब ही होता है, तभी वो समझा पाता है। इसका मीनिंग भाषा सिर्फ बोलने वाली नहीं हो सकती, इट कैन बी, जिसको हम बोलते हैं वैक, क्या बोलते हैं, वैक स्टाइल। ये DMIT में भी काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। वैक इज नथिंग बट विजुअल ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। नाउ गाइस, विजुअल का मतलब क्या होता है? आइज, यस और नो। जो आदमी देख के सीख सकता है, लर्न कर सकता है, ठीक है। एक होता है ऑडिटरी, जो सुन के ज्यादा याद करता है, और तीसरा होता है काइनेस्थेटिक, जिसको हम बोलते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। नाउ गाइस, ये जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं, इसको हम ये तीनों माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है, तीनों माध्यम से इसको दे सकते हैं, और सामने वाला इसको बखूबी याद कर सकता है, ठीक है। तो NLP देने का फायदा क्या? देखिए कैसा होता है कि हमने बोला कि जो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जिसको हम बोलते हैं होम्योपैथी, होम्योपैथी में एक तरीका होता है मेडिसिन देने का, एलोपैथी में एक तरीका होता है मेडिसिन देने का। जब हम थॉट प्रोसेस के थ्रू अगर मैं उसको मेडिसिन बोलूं, तो हम उसको एक वर्ड देते हैं NLP, जो कि तकरीबन आज मैं भारत में बोलूँगा, भारत में इसको 2 दशक हो गए, 20 साल हो गए, ठीक है, तो लाए हुए। अब NLP आपके डायरेक्ट काम करता है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। किसके ऊपर काम कर सकता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। एक छोटा सा मैं आपको उपाय बताता हूँ काम करने का, ठीक है, कि भाई हम हमारे दिमाग से बात करते हैं, खुद से बात करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अकेले बैठते हैं, हम खुद से बात करते हैं, तो हमें खुद से बात कब करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल। क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल। दूसरों से बात करने को बोलते हैं इंटरपर्सनल। आदमी को खुद से बात करनी नहीं आती, वो दूसरों से क्या करेगा, क्या समझाएगा? और इसलिए हम हमेशा क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा कि वो पॉजिटिव आदमी से बात करना। क्या बोलते हैं? वो पॉजिटिव आदमी से बात करना, या ऐसे आदमी से बात करना, इंडिविजुअल से बात करना, जिसने अपने लाइफ में ऑलरेडी कुछ किया हो। तो पॉइंट यहां पे ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब आप रात में सोने वाले होते हो, कब? जब आप रात में सोने वाले होते हो, अगर आप मान लीजिए, मैं बोलता हूं कि आज की डेट में लाइफस्टाइल ऐसा है कि अक्सर सोते सोते 1-1.5 बज जाता है, तो आपको करना क्या है? लास्ट मोमेंट जब आपको एक महसूस होता है कि मेरी स्लीप अब लग सकती है, उस क्षण, उस मोमेंट पे आपको खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करना है। क्या करना है? खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करना है। और खुद को उस वक्त, अक्सर पूरे दिन की थकावट के बाद आदमी नेगेटिव ही सोचता है, कल का मेरा दिन कैसा जाएगा, कल मैं क्या करूँगा, कल मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। ये सब हटा दीजिए और सिर्फ एक ही चीज़ आपको सोचनी है उस वक्त, और वो ये सोचना है कि खुद को, मान लीजिए अगर मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर काउंसलर बनना चाहता हूँ, या कुछ मैं इस दुनिया में इस लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, तो आप वैसा एक बिग पिक्चर ओरिएंटेशन लेके आइए। क्या लेके आइए? बिग पिक्चर ओरिएंटेशन इन योर माइंड। और आप जब ये लेके आओगे, उस समय जब आपकी नींद आने वाली होती है, इसका मतलब दैट इज अ स्टेज व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस टू द सबकॉन्शियसनेस। और एक बार नींद लग गई तो आप सोचना बंद, तब स्लीपिंग के ड्रीम्स चालू हो जाते हैं, हाँ या ना। लेकिन वो जो बीच की जर्नी थी, लास्ट 3 से 5 मिनट की, उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल होता है। कैसा होता है? सबसे पावरफुल होता है। उस वक्त की दी हुई पॉजिटिव थॉट, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होती है वो, हाँ या ना, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, ये सोचना, ये सोच से आप बड़े बन सकते हो। अब बातें आती है, सर अगर वो आदमी उसके ऊपर काम ना करे तो बड़ा कैसे बनेगा, मैं वैसा वर्षा जाऊंगा, ये सोच ही उसको काम करवाएगी और बड़ा बनाएगी, हाँ या ना। इसके ऊपर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस सेशन के एंड में देने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ, सुबह उठना आजकल जल्दी पॉसिबल नहीं है, आई थिंक सो यू ऑल गाइज मस्ट बी वेकिंग अप अर्ली, बट मैं खुद बोलता हूँ, बट मैं खुद जल्दी जाग नहीं पाता हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि जब आप सुबह जगते हो, उठने के बाद तुरंत, यही अगेन यू आर कमिंग फ्रॉम दी सबकॉन्शियसनेस टू द कॉन्शियसनेस। और उस वक्त हो सकता है आपको स्टार्टिंग में तकलीफ हो,
लेकिन मेरा एक फॉर्मूला है, आई ऑलवेज से 7 दिन तक करके देखो. कितने दिन तक? 7 दिन के बाद 40 से या 40 और 42 डेज आपको करके देखना है. 7 दिन का बहुत ही बड़ा साइकिल हमारे दुनिया में होता है कि भाई अगर आपने 3 दिन किया, 4 दिन दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला. पहला आंकड़ा कितना? 7 दिन. और दूसरा आंकड़ा कितना? 40 से 42 दिन. अगर आपने कंटिन्यू कर लिया तो उस वक्त आपको आदत पड़ जाएगी. क्या पड़ जाएगी? और वही तो हम चाहते हैं, हाँ या ना? और जिस वक्त आदत पड़ गई, उस वक्त आप ये समझ लेना कि सोने की स्थिति सबकॉन्शियस से बाहर निकलने के बाद, कॉन्शियस में आने के बाद भी, जैसे ही आप वो सोचना चालू करते हो तो उस वक्त आप नहीं सोच रहे. सबकॉन्शियसली उठते ही पहली क्रिया यही होगी कि आपके दिमाग में बिग पिक्चर ओरिएंटेशन आएगी, और वो आनी बहुत नेसेसरी है. इज दिस क्लियर गाइस? तो क्या ये सेकेंड सक्सेस मंत्रा हो सकता हमारा? यस. पहला क्या था? पॉजिटिव थॉट. उसके बाद हमने एक और लिया था, डिजायर. ठीक है, और कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी उस तरफ. उसके बाद दिस इज आवर सेकेंड सक्सेस मंत्रा. क्या है ये? नथिंग बट सुबह उठना जल्दी और ये चीज सोचना. अगर मैं मान लीजिए 9 बजे उठता हूँ या कोई 10 बजे उठता है, तो उठने के बाद पहला ये काम कर लो, आई विल से दैट. और जितने बजे भी आप सो, उसके जस्ट 3 से 5 मिनट पहले आपको ये काम करना है. सोचना क्या है? सिर्फ पॉजिटिव सोचना है. पूरे दिन की थकावट हो, किसी ने कुछ गंदा बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ भी नहीं सोचना है उसके बारे में. ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंक इन अ प्रैक्टिकल, इन अ वेरी गुड मैनर, बिकॉज इट विल ऑलवेज गिव यू अ विन विन सिचुएशन. हमेशा आपके लिए क्या बनाएगा? वो विन विन सिचुएशन ही बनाएगा. गाइस थोड़ा सा आपसे हम लोग और आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है? तो हमने ये बात किया सुबह उठने वाला, रात में सोने वाला. लेट्स मूव मोर फॉरवर्ड इनटू एनएलपी. ठीक है, टेंसेस हमने अक्सर पढ़े. टेंसेस होते हैं भविष्यकाल, ये काल, वो काल, वर्तमान एंड ऑल. आई जस्ट राइट दैट. वी हैव समथिंग नोन एज पास्ट, वी हैव समथिंग नोन एज प्रेजेंट, एंड वी हैव समथिंग नोन एज फ्यूचर. अब तक क्या हुआ नहीं है वो है फ्यूचर. यस और नो? अब हो गया. अगर मैं बोलता हूँ 1 सेकंड बाद, तो अब हो गया, हाँ या ना? और हर 1 सेकंड आगे आने वाले फ्यूचर का आपके प्रेजेंट या आपके पास्ट पे डिपेंड करता है. किस पे करता है? आपके प्रेजेंट या आपके पास्ट पे. और आपका प्रेजेंट आपकी सोच पे डिपेंड करता है या आपके पास्ट पे डिपेंड करता है, हाँ या ना? या तो आपकी सोच पे या आपके पास्ट पे. तो लेट स्टार्ट समथिंग नोन एज पास्ट. क्या है ये? पास्ट. अक्सर लोग इसी में अटक जाते हैं. सर मेरा पास्ट तो ऐसा रहा हुआ है, मैंने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने बिजनेस किया था, उसमें लॉस लग गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया. अब मेरा मन नहीं करता कि मैं शाम में 10 बजे घर पे चले जाऊं. जितना लेट जाऊं, अगर मेरी वाइफ सो गई हो तो बहुत अच्छा हो, ताकि मुझे कुछ बोले ना, हाँ या ना? इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं वो खुद से हारा हुआ है. क्यों हारा हुआ है वो? उसके पास्ट की कुछ गलतियों की वजह से. वो गलतियां हो सकता है शायद 2 या 3 बार हुई हो, वो लॉस 2 से 3 बार लगा हो, लेकिन वो क्या बोलता है? हमेशा. क्या बोलता है? हमेशा. मैंने मेरे पूरे जिंदगी में सिर्फ गलत काम किया. नहीं, आपसे 2 ही गलतियां हुई थी, हाँ या ना? तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं कि आपके पास एक मेमोरी है. क्या है? एक मेमोरी है जो कि बहुत ज्यादा आपको आगे बढ़ने से रोक रही है. क्या कर रही है? रोक रही है. तो क्या ये मेमोरी को हटाना चाहिए? बिल्कुल हटाना चाहिए. इसके लिए हम भाषा यूज करते हैं सबकॉन्शियस रिमप्रिंट. क्या बोलते हैं ये? अक्सर आप सुनेंगे जितने भी ट्रेनर्स एंड कोचेज हैं, हम लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, बेसिकली वी दैट इज नथिंग बट सबकॉन्शियस रिमप्रिंट. ओके. और ये मेमोरी बिल्कुल हट सकती है, जिसके लिए अगर मैं बात करूँ तो आई विल टेक 15 to 20 मिनट्स. कितने समय लगता है इसके अंदर? 15 से 20 मिनट लगता है मेमोरी हटाने के लिए. हो सकता है अगर 1 सिटिंग में ना हटे तो 2 से 3 सिटिंग में हट जाती है. क्लियर हो गया? मेमोरी हटती नहीं है, फेड होती जाती है. कैसी होती जाती है? फेड, और हट जाती है. अच्छा, अब मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि मेमोरी हटा दी, तो हमने बेसिकली किया क्या? मैंने किया इसको रिकंस्ट्रक्ट. क्या किया? लोग अक्सर बोलते हैं कि मैंने जो गलतियां की थी, क्या मैं पास्ट में जाके उसको वहां से हटा के आ जाऊं? मैं बोलूंगा आपकी गलतियां
सिर्फ एक सोच है, सिर्फ एक सोच है। क्या वो गलती आपने आज की? नहीं, कर चुके हो, उसका इंपैक्ट आपके अंदर रह गया है, वो फील आपके अंदर रह गया, और फील क्या था? सबकॉन्शियस माइंड, यस और नो? और सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है? कि आप अगर आगे कुछ भी करोगे, क्योंकि वो आपकी बात मानता है। सबसे बड़ा इशू ये है, जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि आपको मुझे देखकर नहीं सोचना, नहीं तो एक जाता ही नहीं है ना यूनिवर्स में, सोचना है वो सोच लेता है, वो तो आपका बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी, बोलते ना आज्ञाकारी पुत्र बेटा जैसा है, जो आपकी सारी बात मानेगा, सब कुछ मानेगा, यस और नो, ऐसा ही होता है। फिर हम बोलते हैं कि भाई इस मेमोरी को हटाया कैसे जाए, क्या ये मेमोरी हट सकती है? बिल्कुल हट सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, मान लीजिए विल टेक एन एग्जाम्पल कि हमारे पास एक रूम है बड़ा सा, क्या है? एक रूम है, एक हॉल है, फॉर एग्जाम्पल दिस हॉल। अगर मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे इफ अ पर्सन कम्स, ओके, जिन्होंने आज मान लीजिए 4-5 दिन से एग्जाम्पल के तौर पर कभी अपना सॉक्स चेंज नहीं किया है, तो इट विल स्मेल, इट विल ऑफकोर्स इट विल स्मेल, और ये जो स्मेल है ये पूरे रूम में हो जाएगी। किस वजह से? वो सॉक्स की वजह से। हमें क्या करना है? उस रूम से उस सॉक्स को उठा के बाहर रखना है, बस। अगर उतना हमने कर दिया, फाइल इरेडिकेट कर दी, रब कर दी, तो हमारा काम हो गया। बट क्या ये पॉसिबल उतना आसान है? हम क्या करते हैं, हम एक और काम करते हैं, हम वो डिजायर को, हमारे मिशन को, हमारे विजन को, सब चीजों को यहां ले आते हैं, हाँ या ना? और हम ये बोलते हैं कि इस वक्त मेरा विजन इतना प्यारा है, मेरा डिजायर इतना प्यारा है, मेरा मिशन इतना प्यारा है, इतना फ्रूटफुल है, इतना फ्रूटफुल फ्रेग्रेंस हमने रूम में डाल दिया, फिर भी वो थोड़ी देर तक रहेगा और फिर से कौन आ जाएगा? तो हमें करना क्या था? हमें वो सॉक्स को उठा के बाहर रखने थे। आप कुछ भी कर लो ये रूम के अंदर, कुछ भी कर लो, जब तक वो चीज है, जब तक वो इरेडिकेट नहीं हो जाती, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, हाँ या ना? तो कहने का मतलब, क्या ये मेमोरी, वो जो फील था, आई टेल यू वन थिंग, रिसेंट में हमने एक एनएलपी किया था जिसके अंदर एक पर्सन थे जिनको लिजर्ड का फोबिया था। किनका था? ही वॉज अ पर्सन जिनको लिजर्ड को देख के स्क्रीम, मतलब हील स्क्रीम, एंड इवन नॉट only by looking at the lizard, only thinking of the lizard, clear हो गया? अगर उनका cure हो सकता है, जो कि एक phobia था, तो कुछ भी cure हो सकता है, कुछ भी cure हो सकता है। Next हम बात करते हैं present की, ये कैसे cure हो सकता है? इसको हमने एक technique, एक नाम दिया हुआ है, rubber and eraser method, highly used by मिस्टर राम वर्मा, ओके, रबर एंड इरेजर मेथड, ओके। सो ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, इट्स अ वेरी गुड मेथड। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, एनएलपी ओनली सफिशिएंट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एनएलपी थॉट प्रोसेस पे काम करती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, 4 साल का बच्चा जब स्टेज पे उतर के गाना गाता है, ठीक है, तो उसका जैसा सब कॉन्शियस माइंड तो किसी का भी नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया। और कॉन्शियस में उसने ऐसा कुछ गलत चीज़ आज तक सीखी नहीं, इसलिए हम बोलते हैं बच्चे भगवान के रूप होते हैं, हाँ या ना? एक 4 साल का बच्चा गा सकता है, एक नहीं गा सकता, दोनों में क्वालिटी तो एक जैसी थी। फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था उनका इनबॉर्न टैलेंट। क्या फ़र्क था? इनबॉर्न टैलेंट। और इनबॉर्न टैलेंट निकालने के लिए आपके फिंगरप्रिंट्स ही काफ़ी हैं, ये मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया था उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दैट इज़ समथिंग नोन एज GMIT, जिसको मैं मिक्स करता हूँ NLP के साथ। क्या मिक्स करता हूँ? DMIT प्लस NLP, जिसके अंदर शॉर्ट शॉर्ट आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स आ ही जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट की, वर्तमान की, ठीक है। ये जो है, मुझे ऐसा लगता है यू शुड एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हम ये नहीं जानते कि अगले पल क्या हो सकता है, बट हम ये जानते हैं कि अगला पल अगर होगा तो हम उसको सुनहरा कैसे बना सकते हैं, ये जरूर जानते हैं, हाँ या ना? तो प्रेजेंट जो वर्तमान है, इसको सही करने के लिए आपका खुद का आइडेंटिटी, या मैं बोलूंगा सेल्फ इमेज, खुद की बहुत बड़ी रखिए। खुद की सेल्फ इमेज कैसी रखनी है हमें? बहुत ही बड़ी रखनी है। मैं इसका एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। रिसेंटली मैं एक गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर से मिला था, ठीक है। मैं बोला, भाई साहब क्या करते हैं आप? तो बोलते, सर मैं तो एक शिक्षक हूँ। तो
तो शिक्षक बोलते हुए ही वॉज नॉट प्राउड फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आई वॉज लाइक ये तो गलत बात है. हाँ मैं तो शिक्षक हूँ. मैंने बोला ओके क्या पढ़ाते हैं सर. मैं एक छोटे स्कूल में पढ़ाता हूँ. ओके मतलब आप भी छोटे शिक्षक हैं सर. बिल्कुल. मैंने बोला एकदम गलत. आप गलत बोल रहे हैं. आपकी सेल्फ इमेज बहुत छोटी है. इसका मतलब कहीं ना कहीं पास्ट बीच में आ रहा है. क्या बीच में आ रहा है? पास्ट. और कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट कर रहा है. बिल्कुल. तो मैंने बोला सबसे पहले तो आप अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा बनाओ. पास्ट में से मेमोरी डिलीट करना तो अलग बात है. सबसे पहला काम हर एक इंडिविजुअल को एक ही करना चाहिए. आपकी खुद की सेल्फ इमेज बहुत बड़ी होनी चाहिए. अक्सर लोग मिलते हैं जी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं चल रहा जी. ऐसे ही है. बहुत अच्छा चल रहा है बोलिए. आई एम ग्रोइंग बोलिए. वेरी इंपॉर्टेंट. यस और नो? खुद की सेल्फ इमेज बहुत ही बड़ी होनी चाहिए इन अ पॉजिटिव मैनर. पॉजिटिव थॉट हमने डिस्कस कर लिया. अब नेक्स्ट बात आती है फ्यूचर. क्या आती है? फ्यूचर. और फ्यूचर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर कैसा हो. इसके लिए आप सिर्फ सोच सकते हो. अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखा सकते हो. और वो सिखाने के लिए मैंने एक टेक्निक बनाई है यहाँ पे. इसको हम बोलते हैं क्लाउड. जैसे मैं एक जर्नी पे लेके जाता हूँ जो हम क्लाउड जर्नी बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ से क्या होता है कि वो आदमी खुद की एक ऐसी वीडियो तैयार कर लेता है. एक ऐसी इमेज बना लेता है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है. ठीक है. मुझे वहाँ तक पहुँचना है. और जैसे कि मैंने आपको बताया था मेहनत से आप वहाँ नहीं पहुँचोगे. वो इमेज से आपको मेहनत करवाई जाएगी और आप पहुँच जाओगे. हाँ या ना? ऐसा होता है. इसको समझाने के लिए मैं जब से आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई विल डिस्कस दैट. क्लियर है? तो बेसिकली एनएलपी में सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूरी होती है. रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जो सोच है वो ज़रूरी होती है. सक्सेस की परिभाषा हमने देखी. सक्सेसफुल मैन क्या होता है वो ज़रूरी होता है. आपको कहाँ पे रखना है? ग्राफ में इस तरफ रखना है कि इस तरफ रखना है कि बीच में रखना है? बीच में रखना है. यस और नो? और फिर हमने थोड़ा बहुत ये स्ट्रक्चर देखा. नाउ लेट अस कंक्लूड दिस समथिंग बाय अ वेरी गुड एग्जाम्पल. ओके. एक बहुत समय पहले की बात है. ठीक है. एक मजदूर था. क्या था? मजदूर था. उस मजदूर के दिमाग में एक चीज़ आई कि आज मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाता हूँ, जो कि अगेन मजदूर ही होगा, उससे मिलने जाता हूँ. और वो सोचा कि मैं क्या लेके जाऊँ. उसके दो बच्चे हैं. तो उसने सोचा कि आई टेक पाव. बन पाव आता है. तो दो पाव लेके गया. पाव लेके गया तो ऑफकोर्स पाव को कोई रैपर में किसी ने किसी चीज़ में हम रैप करके देते हैं. और वो जाके पहुँचा, अपने फ्रेंड से मिला, बच्चों को भी पाव दिया, खाया बच्चे लोगों ने, और वो पेपर को फेंक दिया. ठीक. ऐसे फेंक दिया तो पता नहीं उसकी नज़र पड़ी, उसने उठा के पेपर को जेब में रख लिया. फिर वो घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद पेपर को ध्यान से देखा. उसने देखा कि इसके ऊपर एक बहुत सुनहरी रेड कलर की गाड़ी बनी हुई है, लाल रंग की गाड़ी बनी हुई है. उसके दिमाग में ऐसा आया कि यार ये गाड़ी तो बहुत अच्छी बनी हुई है, इस पेपर को संभाल के रख लेता हूँ. ठीक है. पेपर को संभाल के रख लिया. पैंट की जेब में था या जहाँ पे भी उसने रखा. कुछ दिनों बाद वो पेपर वापस सामने आया. वापस सामने आया और उसने देखा तो अब उसको गाड़ी और अच्छी लगी. उसने बोला कि मेरी कुछ हैसियत औकात तो है नहीं, मुझे तो पता भी नहीं ये गाड़ी है कौन सी, लेकिन फिर भी ये गाड़ी इतनी सुनहरी है तो मैं इसको स्टिक कर लेता हूँ मेरे रूम में. और अक्सर हम बच्चों को ये चीज़ बोलते हैं कि भाई आपको जो फॉर्मूले याद करने हो उसको आप स्टिक कर लो. अक्सर हमें चीज़ बताई जाती है और इसका मीनिंग नहीं आता सामने, शायद वो क्लियर हो जाएगा. तो उसने उसको स्टिक कर लिया, दीवार पर लगा दिया. धीरे धीरे वो उसको रोज़ देखता था. अब वो उसको सबकॉन्शियसली देखता था, कॉन्शियसली देखता था, सबकॉन्शियसली उठते ही देखेगा पहला काम. हाँ या ना? उठते ही देखता गया, देखता गया, देखता गया. कुछ साल निकल गए, वो मजदूर से बड़ा मजदूर बन गया. कुछ और साल निकल गए, वो एक मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर बन गया. कुछ और साल निकल गए, ऐसे करते करते कुल मिला के 22 साल निकल गए. कितने साल निकल गए? 22 साल. और 22 साल निकलने के बाद वो धीरे धीरे मजदूर से अब तक बिल्डर बन चुका है. क्या बन चुका है? बिल्डर. ठीक है. लेकिन आज भी उसकी बुद्धि तो मजदूर वाली होगी, शायद उसका एफर्ट्स ने उसको बड़ा बना दिया. यस और नो? देखते हैं, शायद एफर्ट्स नहीं बनाया, किसी और चीज़ ने बनाया. लेट अस सी. तो जब वो 22 साल बाद अब उसके दिमाग में आया कि शायद मेरे पास अब इतना मनी आ चुका है, पैसा आ चुका है, मैं इतना बड़ा बन चुका हूँ कि मैं ये गाड़ी ले सकता हूँ, तो वो एक शॉप पे गया, एक शोरूम पे गया. उसने जाके पूछा कि ये गाड़ी है क्या, ये पेपर वाली? तो उसने बोला कि ये गाड़ी तो नहीं है जी, ये गाड़ी तो नहीं है, आपको यहाँ नहीं मिलेगी, बहुत साल पहले बंद हो गई.
इसका शोरूम दूसरा है, वहाँ पे जाके आप देखिए, दूसरे शोरूम में गया। ऐसे करते करते काफ़ी घूमता गया, तब जाके उसको एक शोरूम मिला जहाँ पे उस सेल्समैन ने उसको बताया कि भाई साहब ये गाड़ी इसी कंपनी की है बट इसको बंद हुए 25 साल हो गए। कितने साल हो गए? 25 साल। मतलब जब उसको पेपर मिला था उस समय 3 साल निकल चुके थे, क्लियर है? तो अब उसने बोला यार बहुत ही मुश्किल है, ये गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन वो इंसान ने क्या सोचा कि भाई मैंने मेरे जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं बड़ा बनूं, शायद ये गाड़ी ने ही मुझे बड़ा बनाया है, तो लूंगा तो यही गाड़ी लूंगा वरना लूंगा ही नहीं। तो उसने और 3 से 4 साल वेट किया और सडनली एक बार उसको वापस वो सेल्समैन का कॉल आया कि भाई साहब आप जो गाड़ी दिखा के गए थे वैसे एक गाड़ी आई हुई, आप आके देख लो। वो गया, भागता भागता गया और वहाँ पे जाके उसने पेपर दिखाया कि भाई साहब यही गाड़ी है क्या? तो बोलते हैं गाड़ी तो यही है। और सडनली वो सेल्समैन के एकदम आँख से आंसू आंसू आ गए, बोलता है सर ये करिश्मा है, दिस इज़ मैजिक, ये गाड़ी वैसी नहीं है, गाड़ी ही वही है, इसका नंबर प्लेट भी वही है। सो दैट वॉज अ मिराकल विच कैन हैपन इफ, देखो आई एम गेटिंग गूज़बम्स, आई थिंक सो, दिस हैपन्स, दिस इज अ वैल्यूएबल एक्सप्लेनेशन, आई थिंक सो, विद अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, दिस हैपन्स, दिस वॉज कन्वर्जन फ्रॉम एनर्जी टू मास, दिस थॉट एनर्जी गॉट एक्चुअली कल्टिवेटेड और कन्वर्टेड इन टू मास, यस और नो, और लाइफ में आ गया। और ऐसा ही होता है, हम जो अधिकतर करते हैं वो देख के सोचते हैं, फ्रॉम मास टू एनर्जी, इट ऑल्सो हैपन्स वाइस वर्सा, फ्रॉम एनर्जी टू मास, यस और नो गाइस? सो हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, आई विल जस्ट कंक्लूड विद अ स्मॉल कोट ऑफ माइंड, ओके, दैट इज, हम अक्सर मैं ये बोलता हूँ कि सक्सेस इज नॉट प्रोमिनेंट एंड फेलियर इज नॉट फाइनल, ओके, डू हार्ड वर्क एंड हैव योर डिटर्मिनेशन बाय योर सबकॉन्शियस माइंड अनलेस एंड अनटिल योर विक्ट्री बिकम्स अ हिस्ट्री। थैंक यू।